गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जो हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है वो हो रही है टिक्कर दाल से। और कल का तो आपने देखा कि हमारी हालत कैसे रही, कैसे सड़क इतनी ख़राब थी, रात को आगे बड़ी मुश्किल से हमारे को होटल मिला और बस पूछो मत। और जब आज सुबह सुबह जब उठे हम तो नज़ारा बहुत बढ़िया था, यहाँ पे नज़ारा इतना बढ़िया था जैसे चिड़िया है ना पूरी चहक रही थी, एरोर है, मतलब काफ़ी सुकून मिला। मतलब ऐसी ही जगह आके ना कई बार तो शांति मिलती है। और मैं ना आपको यहाँ का एक बार नज़ारा दिखाता हूँ, आप एक बार नज़ारे को देखो ज़रा। ये देखो आप मेरे ये नज़ारा जो इधर है, हल्की हल्की धुंध सी है और ये छोटे छोटे पहाड़ हैं आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बीच में आपका एक ये टिक्कर ताल है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक बना हुआ है, पानी साफ़ नहीं है, कुल मिला के पानी इसका ऐसा है कि मतलब मिटमैला सा है पानी, बट कुल मिला के ये ठीक है। एक दिन के लिए आप हरियाणा में अगर हो तो यहाँ कभी नहीं आए हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो एक दिन के लिए यहाँ पे। और अच्छे अच्छे खेत बने हुए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे खेत हैं और गेहूं लगा हुआ है खेतों में, कई जगह इन्होंने बरसीन भी लगा रखी है। और वाह वाह चिड़िया ये जो चहका रही है ना, आपने आवाज़ सुनी, ये बिल्कुल मन को शांति देने वाला काम है। और आप एक बार नज़ारे को देखो और मैं आपको एक बार ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, आप एक बार ड्रोन शॉट को ज़रूर देखना। दोस्तों अभी आपने एक हमारा ड्रोन शॉट देखा, बहुत ही प्यारा ड्रोन शॉट था। और हम सोच रहे थे यहाँ एक ही ताल है, बेसिकली यहाँ पे दो ताल दिखाई दिए ड्रोन में हमारे को। तो अभी हमने पता करा लोकल से, वो ये कहते हैं कि एक टिक्कर ताल है एक बड़ा ताल है। तो अभी देखेंगे इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टिक्कर ताल है कौन सा बड़ा ताल है। बट चाय बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया चाय सवेरे सवेरे टिक्कर ताल का व्यू लेते हुए इंजॉय करते हुए। लवी चेयर्स हमारी, ये चाय की चेयर्स हमारी। रेडी हो चुके हैं हम और अभी हमारी है नाश्ते की तैयारी। उसके बाद बस हम नाश्ता करेंगे, फिर आपको एक बार टिक्कर ताल लेके चलेंगे। एक यहाँ पे वाटरफॉल है, देखते हैं अगर पानी हुआ तो हम आपको वहाँ दिखाएंगे और नहीं तो फिर हम आगे आगे का रास्ता दिखाएंगे। और ये आप ये देखिए यहाँ पे इतने बढ़िया लग रहे हैं ना खेत और सारे, ये देखो क्या नज़ारा है। लो जी हम नाश्ता कर रहे हैं और ये नाश्ते में हमारे पास आलू के परांठे हैं, ये आलू प्याज के, और एक प्लेट और दे जाओ यार। और ये है अचार, मिक्स अचार, साथ में हम दही। अभी हम आ गए हैं टिक्कर ताल के ऊपर और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, आपको मिलते हैं टिक्कर ताल के ऊपर। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है। और टिकट कितने की है सर? ये 50 रुपये पार्किंग की है। 50 रुपये पार्किंग, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पार्किंग होती है। हरियाणा गवर्नमेंट का है टिक्कर ताल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स और बोटिंग वगैरह भी सब यहीं से होती है। जो गाड़ी बाहर पार्किंग से बाहर लगाएगा जी उसका 500 रुपये जुर्माना भी है। आज तो है ना एक्चुअल में दूसरी गाड़ी के अंदर रह गए हमारे शेड्स, तो धूप बहुत तेज़ है और भाई तो नज़ारा सच में इतना कमाल का है। 100 रुपये वाले लेने पड़ेंगे अपने को लग रहा है, यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा। बहुत ही लाजवाब
देखो क्या नज़ारा है, ये है हमारी टिकरताल और ये है पूरा का पूरा व्यू। भाई नज़ारा जो है वो बहुत ही कमाल का है सच में, और आप देख सकते हो पीछे का व्यू एकदम शानदार। पर भाई यहाँ की एक चीज़ है जो कि पानी की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई यहाँ पे सच में, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप बोटिंग करते हो, अभी के सीज़न में ऑफ सीज़न है मे बी, इसलिए हो सकता है प्राइजेस ज़्यादा हों, आई डोंट नो, क्योंकि इससे पहले हम कभी आए नहीं है यहाँ पे। लेकिन बोटिंग की जो कॉस्ट है वो 1000 पर पर्सन है, और वो भी एक ही राइड। अब एक राइड में कहाँ तक लेके जाते हैं वो तो कोई आइडिया नहीं है, इतना बड़ा ताल है भी नहीं कि आप मतलब 1000 रुपये वर्थ इट हो। पर अगर आपको मन है करने का तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और ये टिकर ताल है यहाँ पे आपको 1000 पर पर्सन बोटिंग का जो सीन रहेगा वो यहाँ पे आके पता चला है। एक्चुअली यहाँ पे दो बोटिंग पॉइंट है, एक तो आप वहाँ पे देख सकते हो मैं पीछे जो पूछ के आया था, और एक बोटिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो अभी इससे पता करते हैं। बेसिकली वहाँ पे आपको जेट्स की और बाइक्स का जो है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल इंजन वाली जो बोट है उस पर ही राइड करने को मिलेगी। तो इसका प्राइस आप देख सकते हो, ये है कुछ यहाँ का चार्जेस। और भाई अभी देखते हैं, कोई बंदा तो है नहीं यहाँ पे, कुछ पे ये सीन है। अगर आपको कैंपिंग वगैरह करनी है या फिर बाइक राइडिंग करनी है तो उसका भी यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम है। दोस्तों वैसे आ चुके हैं हम टिक्कर ताल पे, और इसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पे थोड़ी सी पता चलने मिलेगी। यहाँ पर एक भाई है, बताइए भैया इसकी हिस्ट्री क्या है। ये बहुत पुराना तालाब है सर, ये सदियों पुराना है, इसके पांडवों के टाइम का बना हुआ है जी। ओके ओके, इसमें भीम का गोड्डा लगा हुआ है जी। अच्छा अच्छा, इसकी गहराई का भी कोई पता नहीं है कितनी डीप होगा। ये कभी सूखा ही नहीं, कभी सूखा नहीं, नहीं सूखेगा ये, और ये सूखेगा भी नहीं। ओके ओके, तो दोस्तों बेसिकली इसको भीमताल टिक्कर ताल यहाँ पे है ये, और यहाँ पे जैसे आपने बताया भैया ने कि भीम के गोड्डा लगने की वजह से यहाँ पे झील बनी थी, और इसका आज तक कभी पानी सूखा नहीं है और ना ही कभी सूखेगा। गहराई का कोई आइडिया नहीं है कि कितनी गहरी है, और सच में ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सी ट्रिप है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये झील है। तो भाई अभी चलते हैं डायरेक्ट बोटिंग की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हमें मज़ा आएगा। थैंक यू भाई। ऐसे है यहाँ पे जितनी भी ये लाइफ जैकेट्स हैं कोई हुक नहीं है, अपना देसी तरीका गांठ मार लो, सबसे बढ़िया तरीका है। लाइफ जैकेट की थोड़ी सी यहाँ पे है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ये देखो जी यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, छोटे बच्चों के लिए एक ये टॉय ट्रेन सी बना रखी है इन्होंने, और साथ में झूला भी है और बड़े वाला है, स्लाइडिंग वाला भी है। और मतलब ये है कि आप एक दिन के लिए यहाँ आओ और बच्चों के साथ ला सकते हो, अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है इसको, और साथ में बोटिंग है और है, सारी फैसिलिटी है मतलब यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे होटल अच्छे नहीं है, थोड़ी सी ये दिक्कत तो है यहाँ पे। और वो जेट स्कीइंग वहाँ पे चल रही है दूर, लेकिन जेट स्कीइंग के चार्जेज ये 1000 ले रहे हैं, गोवा में इससे कम है चार्जेज जेट स्कीइंग के चार्जेस। और गोवा में जो राइड का मज़ा आता है ना जेट स्कीइंग का, वो अल्टीमेट मज़ा आता है। Thank you.
लो जी, हम पहुंच गए हैं टिक्कर ताल पे। और ये टिक्कर ताल पे आपको पहले तो व्यू दिखाता हूँ मैं इसका लेक का। और अरे जी, ये जो है ना, ये काफ़ी देर से ये ग्लाइडिंग वाला है, ये शोर मचाया जा रहा है तब से। ये इसने ना तो उड़ना आता ना, और ये देखना चक्कर आ गया, ये इसका कोई भरोसा नहीं है, पहाड़ी में टकरा दे ये। पर जो तो ताल का लेक का व्यू जो आप देख रहे हो वो बहुत बढ़िया व्यू है, आप यहाँ से देखो। और स्पीड बोट, ये जेट स्कीइंग चल रही है, जेट स्कीइंग के भी चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इवन गोवा में कम है। समुंदर के बीच में लेके जाता है वो आपको, 1.5-2 किलोमीटर की सैर करा के लाते हैं समुंदर के बीच में। अच्छी वो है, आप एक बार आ सकते हो यहाँ पे, और इसका वर्थ है यहाँ पे घूमने का। और जो ये है, जो कहते हैं कि भीम का जो लगा था गोड्डा लगा था उसे आपका भीमताल बन गया था, और जो उसकी कोणी लगी थी उसे आपकी द्रौपदी ताल बन गई थी। तालों के बीच में एक पहाड़ी है, और जो मान्यता है वो ये कहते हैं कि इसकी जो गहराई है 70 फुट के आसपास है, वो गहराई आपकी 50 के आसपास है, और दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड आपस में एक दूसरे के साथ। बच्चों के साथ अब काफ़ी भीड़ हो गई है, पहले जब हम आए थे सुबह इतनी भीड़ नहीं थी, और 12 बजते यहाँ पर अच्छी खासी रौनक हो गई है। और मोस्टली मुझे लगता है जो चंडीगढ़ से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके एक शाम तक पिकनिक स्पॉट अच्छा सा बना के चले जाते हैं, लेकिन रात को जो आपने देखा कि रास्ता कितना सुनसान था। दोस्तों, अभी हम आपको लेके चलेंगे, एडवेंचर पार्क है यहाँ पे, एडवेंचर थीम पार्क कहते हैं उसको। और जो यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, एक यहाँ पे भूत बंगला भी है, ट्री ब्रिज भी है, और रोप क्लाइंबिंग भी आपको साथ में है, तो बच्चों के साथ अच्छी एक्टिविटीज़ है। एक कैपिटल खेलने कूदने का एरिया है, और एक है ना, आप जो अपनी नदी के ऊपर से आपको क्रॉसिंग के लिए बना रखा है इन्होंने, तो एक पिकनिक पॉइंट, अच्छा स्पॉट है पिकनिक पॉइंट के लिए। आप यहाँ पे एडवेंचर थीम पार्क में भी जा सकते हो, साथ में भीमताल हो गया, एक साथ में द्रौपदी ताल है, ये चीज़ आपको देखने वाली है। लेकिन शांति बहुत बढ़िया है, मतलब कसूती शांति है जी। जी करता है यहाँ एक प्लाट ले लूँ और अपना खेती बाड़ी स्टार्ट कर दूँ, और अपना ऑर्गेनिक सब्जियां उगाओ और अपना यहाँ रहो। ये है भाई यहाँ पे एंट्री पॉइंट, ये अंगूठा किसको शो कर रहे हैं, उंगली एंट्री के ऊपर, उंगली थाप छोड़ दी है। ये क्या है? और ये मशरूम बना रखा है, मशरूम बना हुआ है।